जब सोफिया हमारे पास आई वो बहुत ही छोटी थी और उसकी माँ भी नहीं थी। अपनी माँ के बिना वो काफी उदास रहती थी। यहाँ आने के बाद वो दूसरे कुत्तों के बीच खोसी गई और काफी तनाव में रहने लगी। इसी तनाव के कारण वो काफी पतली हो गई और उसके शरीर के सारे बाल भी झड़ गए, जिस वजह से उसे बहुत ठंड लगने लगी। हमने उसे स्वेटर पहनाना शुरू कर दिया, फिर हमने उस पर और ध्यान देना शुरू किया, उसकी बहुत देखभाल की। धीरे धीरे उसकी दूसरे जानवरों के साथ दोस्ती भी होने लगी और वो उनके साथ खूब खेलने कूदने लगी। अपनी की कंपनी उसे बहुत अच्छी लगती थी। दोनों आपस में खूब मजे करते थे। उसके बाल भी दोबारा वापस आने लगे। सोफिया बहुत ही स्मार्ट डॉग थी। जो और राइली को उसे नई चीजें सिखाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हमने उसे यहाँ पर ढेर सारा लाड प्यार दिया, मगर हम उसके लिए एक अच्छे घर की तलाश में थे, जिसे हम ढूंढने में सफल भी रहे। डेविड और राइली, हमारे दो वॉलंटियर्स ने सोफिया को घर तक पहुँचाने में हमारी मदद की। अपने नए घर पहुँचने के बाद उसे दोबारा से एंग्जाइटी और साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके अडॉप्टर्स ने उसे ठीक करने की काफी कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर उन्होंने उसे एक फॉस्टर होम भेजने का फैसला लिया, जिसे बिंदी, जो हमारे यहाँ एक वॉलंटियर थी, उसे चलाती हैं। बिंदी को सोफिया से काफी लगाव सा हो गया और उसने उसे अपने पास ही रखने का फैसला कर लिया। शेल्टर जानवरों के जीवन में एक पड़ाव है, आखिरी चरण नहीं। जब आप एक शेल्टर से किसी एनिमल को अडॉप्ट करते हैं, तो ना ही आप उस शेल्टर की मदद करते हैं, बल्कि ऐसे अनेकों कुत्तों की मदद करते हैं जिनको इलाज और शेल्टर की जरूरत है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है। चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।